आरती भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरती भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। देवघर समेत मधुपुर के शहरी तथा ग्रामीण इलाकों में पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन पूरे सादगी के साथ मनाया गया। मधुपुर के 52 बीघा लखना मदीना खलासी मोहल्ला पनाह कोला पटवाबाद फतेहपुर सहित कई गांवों में जश्न ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार मनाया गया। कोरोना महामारी को लेकर प्रशासन द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन का पालन करते हुए किसी प्रकार का विशेष जुलूस यानी जुलूस से मोहम्मदी नहीं निकाला गया। फिर भी बच्चों में उत्साह देखा गया। लोगों ने मस्जिद घरों की छतों व चौक चौराहों पर झंडे फुलझड़ियां लगाकर जलाकर सजाया तथा साथ ही गांव व मस्जिदों में महफिल मिलाद पाक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां उलेमाओं ने पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जीवनी के बारे में बताया, उनके नक्शे कदम पर चलने का आह्वान किया। यह ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन के अवसर पर प्रत्येक साल काफी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी ने सभी त्योहारों को फीका कर दिया है। देवघर से इम्तियाज अंसारी के साथ पप्पू यादव की रिपोर्ट। मैं तो सर्वप्रथम मधुपुर अल्पसंख्यक भाइयों को ईद मिलादुन्नबी के मौके पर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और जिस तरह से सरकार के गाइडलाइन को यहाँ के अकलियतों ने माना है और संविधान की जिस तरह से रक्षा किया है, ये काबिले तारीफ है। पूरे मधुपुर विधानसभा क्षेत्र का मैं भ्रमण किया हूँ और पूरे क्षेत्र में सारे लोगों ने सरकार के गाइडलाइन का फॉलो किया है। पहले भी हमारा दुर्गा पूजा यहाँ हुआ, उस कम्युनिटी के लोगों ने भी जिस प्रकार गाइडलाइन का फॉलो किया था, वो भी एक मिसाल था। और चूँकि मधुपुर के लोग इतने सज्जन और इतने अच्छे हैं, यहाँ के लोगों में जो मिठास है, यहाँ के लोगों में जो अपनापन है, ये अद्भुत है और भगवान का अल्लाह पाक का दिया हुआ एक बड़ी नेमत है। और ख़ास करके आज जिस नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हम जश्न ईद मिलादुन्नबी जन्मदिन मना रहे हैं, ये तो पूरी दुनिया के लिए इंसानियत का एक मिसाल है। जब हमारे नबी पाक आए, औरतों को हक मिला, नबी पाक आए इंसान को जीने का तरीका मिला, नबी पाक आए लोगों में इंसाफ करने की ताकत आई, जब नबी पाक आए तो दुनिया से गुनाहों का खात्मा हुआ, गोया के ये पूरे दुनिया में अशरफुल मखलूकात के रूप में हमारे पैगंबर दुनिया में आए। और हम क्यों ना गर्व करें, इतने बड़े प्रॉफिट का हम सब पैकर हैं, उनके हम गुलाम हैं, उनके हम चाहने वाले हैं। अल्लाह पाक पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के अकलियतों को, पूरी दुनिया के इंसान के अंदर मोहब्बत पैदा करें, आपसी भाईचारगी पैदा करें, मिलजुल के रहने की ताकत पैदा करें और प्रगति की ओर हम सब बढ़ें, यही हमारा पैगाम है पूरी आवाम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जोहार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम।